अच्छा जी, अब ये सारे काम करने के लिए जो भी हमने इतनी देर से डिस्कस किए, ये जो सिक्योरिटी असेसमेंट है इसमें जो बड़ा इम्पोर्टेंट मॉडल यूज होता है वो पीडीसीए मॉडल यूज होता है। पीडीसी होता है प्लान डू चेक एक्ट, पीडीसीए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें ना ज़ाहिर है हमारे पास दो तरह के एरियाज होते हैं। एक होते हैं इंटरेस्टेड पार्टी जो कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे होते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो सिक्योरिटी साइड के बंदे होते हैं, उनके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर जो कि सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान ये प्लान डू चेक एक्ट वाला साइकिल घूमता रहता है। अच्छा, पीडीसीए करता क्या है? प्लान डू, अच्छा पीडीसीए जो ना किसी भी काम में, आपकी और भी बड़ी सारी जगहों पे वाला मॉडल इंप्लीमेंट हो रहा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या और मतलब एक दो इस तरह की चीजें, ये वहां पे आपका पीडीसीए मॉडल चल रहा होता है। अच्छा, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट में ये बाज़ुकात बड़ा ज्यादा यूज हो रहा होता है। अच्छा, इसमें ये होता है प्लान। प्लान का मतलब है क्या? प्लानिंग करो ना कि यार आपने क्या करना है। तो उसमें प्लान में वो रिस्क असेसमेंट और वो सारी चीजें आ जाती हैं कि आपके कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आपने सिक्योर करना है, और फिर सिक्योर करना है तो पहले देखो कि उन पे थ्रेट्स क्या क्या है, फिर अगर कोई थ्रेट है तो उसको आप क्या सोचते हो, कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये आपने सारा काम प्लानिंग में कर लिया। डू का मतलब फिर उसको जो आपने प्लान किया ना उसको कर दो। तो डू के केस में आप वो सारी बातें इंप्लीमेंट कर देते हो कि जो आपने प्लान के फेज में सोची होती हैं। फिर जब वो इंप्लीमेंट कर देते हो ना तो उनको चेक करते हो कि हाँ यार अभी मैंने इंप्लीमेंट कर दी है, क्या इनको इंप्लीमेंट करने से वो सारे थ्रेट्स खत्म हो गए हैं कि नहीं हो गए, और मुझे जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी वो अचीव होगी या कि नहीं होगी। तो टेस्टिंग भी करते हो, ठीक है। तो टेस्टिंग करने वाला जो फेज है सारा, मॉनिटरिंग वाला जो फेज है वो चेक में आता है। और चेक के बाद आप एक्ट करते हो, तो एक्ट में आप देखते हो कि यार अब ये सारा काम करने के बाद क्या स्टिल कोई ऐसी चीज है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सिक्योरिटी लगाओ तो उससे आपका ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका कंप्यूटर है उसके अंदर इश्यूज हैं कि आप उसके कंप्यूटर में 10 प्रोग्राम हैं और उनमें मसले मसाइल हो सकते हैं या कोई वो इश्यू हो सकता है, कोई वायरस आ सकता है, तो आप एंटीवायरस लगा लेते हो। अब देखो एंटीवायरस लगा, पहले 10 प्रोग्राम थे आपने एंटीवायरस लगाया, अब कितने प्रोग्राम हो गए टोटल? 11। ये जवाब शॉप दे दिया, अगर उसे मुझे बदलता रहता है कि यार एक बार हम था पहले भी क्लास छोड़ के अम्मी ने बुलाया तो चली गई थी, तो इससे मुझे बदलता रहता है कि कौन कौन है और कौन कौन जो है ना वो गए हुए हैं अम्मी के पास। अच्छा, तो अब होगा ये कि आपके पास 10 प्रोग्राम थे और आपने कहा यार मुझे एंटीवायरस चाहिए, मुझे वायरसेस से बचना है, तो आपने एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया। अब आपके पास 11 प्रोग्राम हो। अब बफर ओवरफ्लो का जो अटैक का खतरा था, थ्रेट, वो पहले आपका 10 प्रोग्राम के ऊपर था, अब 11 प्रोग्राम पे आ गया। तो आपने एक तरफ से एक चीज को तो मिनिमाइज किया कि यार एंटीवायरस लग गया तो यार मेरे कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता, बट अब आपने ऑन द अदर हैंड एंटीवायरस लगा के आपने वो जो बफर ओवरफ्लो का अटैक सरफेस था वो पहले 10 था, अब आपने उसको 11 कर दिया, तो उसको उधर से बढ़ा दिया। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एक सिक्योरिटी लगाते हैं तो किसी और जगह से आपके लिए एक नया मसला भी खड़ा हो जाता है। तो आप ये सारी चीजें चेक करते हो और फिर दोबारा से देखते हो कि यार मेरे लिए कोई नया मसला तो नहीं खड़ा हो गया, कोई मेरी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट में ये वाली जो जगह है, एक मिनट, ये वाली इस जगह पे, यहाँ पे हमारी कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थी ना कि जिसके लिए हमने प्लान किया था, तो अब अगर आपकी वो इस एरिया में कोई चेंज आ गई है, पहले यहाँ 10 प्रोग्राम थे अब यहाँ पे 11 प्रोग्राम हो गए, तो अब आप फिर दोबारा से प्लान करोगे कि अच्छा इस नए वाले चेंज सिनेरियो में अब मैंने अगर कोई नया काउंटर मेजर इख्तियार करना है, किसी थ्रेट को काउंटर करना है, तो वो क्या है, फिर उसकी प्लानिंग करते हो, फिर डू चेक एक्ट। तो ये एक अनलिमिटेड साइकिल होता है कि प्लान डू चेक एक्ट एक्ट, फिर आपको प्लान पे भेजता है नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और फिर आप उसको प्लान करके इंप्लीमेंट करवाते हो डू के केस में, और फिर चेक करते हो, मॉनिटर करते हो उसके केस में, चेक के केस में, और फिर दोबारा से एक्ट में आ जाते हो। प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, ये एक साइकिल साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है। तो ये होता है आपका पीडीसीए मॉडल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। इन सारी सिक्योरिटी वाले मामलों में ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यह कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट ऐसे बताया कि यार जो एयर हेडक्वार्टर का कॉन्टेक्स्ट है ना, तो उसकी सिक्योरिटी उस कॉन्टेक्स्ट में होगी, वही सिक्योरिटी आप उठा के एयर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नहीं कर सकते, और वो ये सिक्योरिटी उठा के आप सेव मार्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, या वो सिक्योरिटी आप उठा के सेंटोरस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट देखते हुए जो है ना ये वाला काम कर रहे होते हो, सिक्योरिटी के डिजाइन का और इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है, और पॉलिसी मेकिंग का।
अच्छा उसमें क्या होता है कि आप ना सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने कुछ चीजों का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? क्या क्या है? सबसे पहला तो ये है कि आप इधर आ जाओ पिंक वाले पोर्शन में। ये सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन की आईटी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को, या अगर वो इम्प्लीमेंट हुई भी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सबसे पहले तो वैल्यूएट करें, ठीक है? कि आप देखें कि आप आईटी सिक्योरिटी से हासिल क्या करना चाहते हो, ना क्या चीज है, क्या वो लेवल है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, किससे बचना चाह रहे हो, ठीक है? फिर आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी सोचते हो कि अच्छा यार ये अगर इससे बचना चाह रहा है तो इससे बचने के लिए हमें क्या इख्तियार रास्ता करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि जिनको इख्तियार करते हुए हम इस इशू से बच सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके लिए आप पॉलिसीज बनाते हो। पॉलिसीज हो देखो सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाते हो, और फिर उन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए आप मुख्तलिफ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज या मल्टीपल पॉलिसीज बनाते हो, जो एक्चुअली एक्शनेबल चीजें होती हैं जिसकी मदद से आप उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेते हो, ठीक है? अच्छा, और ये सारा कुछ करने के बाद आप इनको मेंटेन भी करते हैं और अपडेट भी करते हैं रेगुलरली। वो रेगुलरली आप कैसे अपडेट करते हैं? आप पीरियोडिक सिक्योरिटी रिव्यू लगाते हैं, आप ऑडिट्स करते हैं, आप जाके सिक्योरिटी को चेक करते हैं और देखते हैं कि यार अब नए हालात के मुताबिक क्या क्या मसले मसाइल आ गए हैं, और उसके अगेंस्ट आप वो जो चेंजेस हैं अपने टेक्निकल एनवायरनमेंट में या रिस्क के अंदर, वो जो नए इश्यूज आए हैं जो आपको पता लगे हैं, उनको आप वहां पे जाके रिफ्लेक्ट करवाते हो। रिफ्लेक्ट करवाने के बाद वो एक्ट वाले केस में, और फिर से आप उनके नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर से प्लानिंग करते हो सिक्योरिटी की, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसको मॉनिटर करते हो, और फिर दोबारा से एक्ट वाले केस में आ जाते हो, ठीक है? तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सबसे पहले तो ये करते हो कि जो अगर हम आईटी सिस्टम की बात करें तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में उस आईटी सिस्टम का रोल सामने रख के उसके मुताबिक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी होती है। कैसे? जैसे एक कंपनी है गूगल, तो गूगल का जितना भी बिजनेस है वो यही है कि वो आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपके जो आईटी सिस्टम है गूगल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल की बका के लिए। अगर गूगल का आईटी सिस्टम बैठ जाए तो गूगल की कंपनी फारिग हो जाएगी। अगर मुझे गूगल की जीमेल की सर्विस नहीं मिल रही, मुझे गूगल के डॉक्स की सर्विस नहीं मिल रही, तो मैं किसी और कंपनी में स्विच हो जाऊंगा। तो उसके लिए तो आईटी सिस्टम की अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखते हैं कि एक कंपनी है जिसका काम है कि वो होंडा की मोटरसाइकिल्स बनाती है। तो अगर वो होंडा की मोटरसाइकिल्स बनाती है तो उसको उसको अपने आईटी सिस्टम्स के लिए वो चीज़ नहीं चाहिए कि जिस तरह की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट गूगल को होगी, क्योंकि गूगल का तो सारा बिजनेस ही आईटी है, जबकि होंडा का काम है वो मोटरसाइकिल्स बनाना। उसके लिए वो कुछ बजट के लिए, कुछ अपने पार्ट्स के आने जाने के लिए उन्होंने कुछ कंप्यूटर जरूर रखे होंगे अपने पास, या लैपटॉप जरूर होंगे उनके कारखाने में, ऑफिस में, लेकिन उनका प्राइमरी मकसद आईटी के सिस्टम की सिक्योरिटी से डिस्टर्ब नहीं होता। अगर उनका आईटी सिस्टम चलना बंद हो जाता है तो उनकी मोटरसाइकिलें फिर भी बनती रहेंगी। तो इसलिए उनके लिए उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि ऑन द अदर हैंड गूगल के लिए वही सेम चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? तो उसके लिए अब जब सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसे मैंने बताया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं लॉन्ग टर्म, और फिर उन स्ट्रेटेजीज को अचीव करने के लिए आप कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। तो उस पॉलिसी में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो स्कोप देखे, पर्पस देखे, यार ये क्यों हम बना रहे हैं, इस पॉलिसी को क्यों बनाया जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से राइज हुई थी, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट कोई है तो वो भी बता दें। फिर आईटी की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी बताई जाती है, उसमें एक्सप्लेन की जाती है। फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं कि यार इन केस ऑफ दिस ये बंदा इस काम का रिस्पॉन्सिबल होगा, ये काम इस बंदे ने करना है, रन टाइम पे ये काम नहीं किया जाता, कोई इंसिडेंट हो जाए ना। तो ऐसा नहीं होता कि मैं सोचता रहूं कि यार शजीरा आग बुझाएगी, शजीरा सोचती रहे कि यार मुझसे तो बाल्टी नहीं चुकी जाती तो ये हमदा बुझा दे। हमदा कहती है यार जब बिलाल है तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं भाग के जाऊं और ये उठाऊं, और उठा के इसको मैं जाके आग पे फेंकू करके आग लग जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हर बंदा एक दूसरे को सोचता रहता है। अगर हम अपनी क्लासरूम के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं तो हम कहेंगे कि यार जब भी किसी को पता चले कि आग लगी है तो वो शोर मचा दे, आग 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 आग, तो उसने तो ये काम करना है, और 10 बार आग 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 कहना है ऊंची आवाज में ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है? हम पॉलिसी बना रहे हैं अभी, अभी आग लगी नहीं है ना, अभी लग सकती है, उसपे 1 साल ना लगे, उसपे 10 साल ना लगे, वो उसका कल ही लग जाए, लेकिन पॉलिसी बना के रख लेंगे।
फिर उसके बाद हम कहेंगे कि यार जब भी कभी कोई भी बंदा आगा का नाम सुने तो हम शजीरा और हमदा की ड्यूटी लगा रहे हैं कि इन्होंने फौरन से जो है ना करीब तरीन कूलर या वॉशरूम में जाना है और वहां से बाल्टी भर के लानी है, और जहां पे आग नजर आ रही है वहां पे बाल्टी भर के फेंक देनी है। बिलाल की हम ड्यूटी लगाते हैं कि यार बिलाल तुम्हें जब भी कोई बंदा आग 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 10 बार कहे तो इसका मतलब है कि आग लग गई है, तो आपने ये करना है फौरन मोबाइल निकालना है और ये फोन करने की फायर ब्रिगेड को जिम्मेदारी भाई आपकी है, आपने ये हर हाल में अदा करनी है। ठीक है, तो इस तरह अब क्या हुआ कि जब भी कभी आग वाला इंसिडेंट होगा ना तो हर बंदा सोचेगा नहीं, अभी ये बंदा ना हो कोई बंदा बाल्टी लेने भाग रहा है, फिर कोई कह रहा है कि पता नहीं कोई गया है बाल्टी लेने के नहीं गया पानी, फिर कोई बंदा फोन कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी ने फोन फायर ब्रिगेड को किया कि नहीं किया, हम उसको बकायदा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी में बता देंगे कि भाई फलाना बंदा जो है वो फोन करने का जिम्मेदार है, उसने फोन करना है, फलाना बंदा जो है उसने कॉल करनी है, फलाना बंदा मतलब उसने पानी लेके आना है, उसने आग बुझाने की कोशिश करनी है, तो ये सारे मामला हम पॉलिसी में मेंशन कर देते हैं। उससे फायदा ये होता है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो हमें उस वक्त लोगों को बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता यार तुम ये काम कर दो तुम ये काम कर दो, लोगों को पहले से पता होता है, अवेयरनेस उनकी हुई होती है, वो फौरन से एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह से आपकी रिस्क मैनेजमेंट की अप्रोचेज हैं वो हम देखेंगे आगे, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग को भी आगे देखा जाएगा, आगे आ जाएगी एक दो स्लाइड उस पर भी। फिर अगर कोई पर्सनल या लीगल इशू है उसको भी आपने एड्रेस करना है कि यार ये ना हो कि बंदा किसी वजह से टेंशन में है, तंग है, और वो उसका नुकसान आके इधर उतार देता है, तो इस तरह के मामला को भी आपने देखना है कि उसके ऊपर आप क्या लेंगे। फिर कुछ लीगल कंसर्न होते हैं जैसे पीसीआई डीएसएस है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सपोर्ट सिस्टम, इस तरह कुछ है उसका नाम डीएसएस है, पता नहीं क्या बनता है भूल गया। तो बेसिकली पीसीआई डीएसएस जो है वो स्टैंडर्ड है जो कि जितनी भी क्रेडिट कार्ड की कंपनी है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर काम करना होता है उनके लिए लाजमी है कि वो हर साल अपने डीएसएस सिस्टम को वेरीफाई करवाते रहे, क्योंकि वो उनको भी मतलब ये ख्याल होता है कि यार ये लोगों के लाइक क्रेडिट कार्ड्स हैं तो कहीं उनके मतलब उनका डाटा लीक ना हो जाए, तो वो फिर ना वो पीसीआई डीएसएस स्टैंडर्ड बना दिया और वो सबको कंप्लाई करना जरूरी होता है, उसके बगैर आप कार्ड इंडस्ट्री में कदम नहीं रख सकते, यानी कि उस कंपनी को कार्ड इशू करने का राइट ही नहीं मिलता जो कि पीसीआई डीएसएस को पहले उसका ऑडिट क्लियर ना करे। तो खैर ये बात हमारी लंबी हो जाएगी, तो इसी तरह से बाकी भी 4-5 चीजें हैं कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होनी चाहिए, कंटीजेंसी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो आपका सिस्टम का सर्वर रूम ही उड़ गया तो आपने वो कैसे डाटा बैकअप रिस्टोर करना है और कैसे नई जगह पे सर्वर खड़ा करना है ताकि आपकी कंपनी जो है जल्द अज जल्द वापस बैक ऑनलाइन आ जाए। और इसी तरह एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो तो देखी जाती है वो ये होती है कि आपकी पॉलिसी आपने एक बार बना दी तो ये लाजमी नहीं है कि बस वो खत्म हो गई, क्योंकि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हर बार चेंज होती रहती है थोड़े थोड़े से बाद, तो आपको अपनी पॉलिसी को भी थोड़ी थोड़ी चेंज करना है, चेंज नहीं करना एक्चुअली आपने रिव्यू करना है यार इस वक्त जो मैंने इसकी पॉलिसी बनाई है क्या ये मेरी करंट सिक्योरिटी थ्रेट्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, पहली बात कोई नया थ्रेट तो नहीं आ गया, और अगर नहीं आया तो जो पुराने थ्रेट है कोई सही मतलब आइडेंटिफाई करी कोई इशू तो नहीं हो रहा, इस तरह के सारे मामला जो है ना वो देखे जाते हैं। देखो हम जब छोटे होते थे ना तो हमारे घर में ना वो जो सबके टीवी होते थे वो ले होते थे, वो जो मोटे मोटे से पहली वाले होते हैं सीआरटी ट्यूब्स वाले, तो उस जमाने में सब कहते थे कि यार ये ना टीवी को ना पीछे बैठ के देखना है, तो अगर कभी हम आगे होकर देखने की कोशिश करें तो मम्मी डांट देती होती थी यार ये क्या बात है पीछे होकर देखो ना, क्योंकि वो मशहूर था कि यार ये टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, तो इससे ना कम से कम 10-15 फुट के फासले पर बैठ के आपने जो है ना टीवी देखना है। तो अब हुआ ये कि उसके बाद जब ये एलईडीज और ये वाला जमाना आ गया तो अब जो है चूंकि एलईडी में से उतनी उस तरह की खतरनाक शुआ नहीं निकलती है, एलसीडी एलईडी की जो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट होती है तो उसमें तो कैथोड रे ट्यूब्स लगी होती थी वो बकायदा इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करती थी स्क्रीन के ऊपर, तब हमें स्क्रीन नजर आती थी जो पुराने वो बैली वाले टीवी होते थे मोटे मोटे थे तो उनमें इस तरह से था, तो वाकई वो स्क्रीन में से निकल के वो आप अगर करीब खड़े हो तो आपकी आंखों में भी इलेक्ट्रॉन्स पड़ते थे और वो आंखों की आई साइट को बड़ा वीक कर देते थे, मसल्स खराब कर देते थे, तो अब वो चीज़ ही खत्म होगी तो उसकी वजह से वो रिक्वायरमेंट ही खत्म होगी। अब अगर वो एलसीडी की वाले टीवी आ गए हैं, पुराने वाले टीवी बिल्कुल ही मतरूक हो गए हैं खत्म हो गए हैं, तो अब आपको पॉलिसी अगर आप हर साल रिव्यू ना करें तो अभी भी वही पॉलिसी आ रही होगी कि आपने टीवी 10 फुट दूर खड़े होकर देखना है, ठीक है, हालांकि अब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रही यार, अब तो वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, वो जो उसके मुजर असरात थे जिसकी वजह से आप 10 फुट दूर खड़े होते थे वो तो काम ही खत्म हो गया है। तो अगर आप इस पॉलिसी को जो सबसे आखिरी पॉइंट है कि अगर आप इसको रिव्यू नहीं करोगे पॉलिसी को और चेंज नहीं करोगे इसको एज पर जो चेंजिंग हालात आ रहे हैं तो थोड़े ऐसे बाद आपकी पॉलिसी जो है मजाक बन के रह जाएगी, बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं होने चाहिए थे वो भी करवा रही होगी क्योंकि वो रिव्यू ही नहीं हुई, जिस तरह भी एलसीडी का केस होगा, और बहुत सारे काम ऐसे जो अब करने चाहिए एलसीडी वगैरह के केस में, कोई नए थ्रेट हो सकता है आगे हो क्योंकि और चीज खराब करती हो आपकी आंखें ना खराब करती हो, तो अब उसके चक्कर में अब आपने उनको रिव्यू करना चाहिए था जो कि अब आपने अगर नहीं किया अपने इस पोस्चर को तो वो आपका फिर वो काम उधर ही रुका रह जाएगा कि वो आप स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, तो इन चीजों को ऐसे देखना बड़ा जरूरी होता है।
अच्छा, फिर उसके बाद ना इन सारे कामों में हम थोड़ा सा ना इसको स्क्वीज करेंगे, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना है, कुछ चीज समझ जाती है अभी मुझसे पूछ लो, बाद में पूछ लो। मैनेजमेंट की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आईटी सिक्योरिटी जब इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत से लोग तंग होते हैं, और जब वो तंग होते हैं तो वो आपको काम नहीं करने देते। तो जब तक आपके पास ऊपर से जो बॉस है या जो हेड ऑफिस है, या अगर उनकी सपोर्ट नहीं होगी सारे काम करने में, तो आपके कहने पे हो सकता है कि लोग वो काम ना करें। देखो कई बार होता है ना कि कुछ सिर्फ फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, एचआर का डिपार्टमेंट होता है, और भी इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ के सबके अपने अपने को हेड होंगे, सेक्शन हेड या एरिया हेड या डायरेक्टरेट हेड, ठीक है। अब क्या होगा कि वो बंदा अपने काम में इंटरेस्टेड होगा। अब एक जिस डेवलपर है तो वो उसको चाहिए कि वो कहता है यार हर वक्त मुझे नेट अवेलेबल होना चाहिए, ताकि मुझे कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ समझ आ रही हो, मैं फोन नेट से चेक कर लूँ। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफेंस में हैं, तो वो कहते हैं, वो लोग बहुत डिस्करेज करते हैं इंटरनेट, वो कहते हैं यार इंटरनेट से बड़े सारे मसले होते हैं, डाटा लीक हो जाता है, ये होता है वो होता है, तो वो लोग इंटरनेट नॉर्मली अलाउ नहीं करते ऑफिस अपने एनवायरमेंट में। अब क्या होगा कि अब अगर आप कहते हो कि यार मैंने यहाँ अपने ऑफिस में सिक्योरिटी लगानी है और मैंने सबका नेट बंद कर देना है, तो आपके नीचे वालों को रेजिस्टेंस आएगी, जो डेली बैठ के नेट चेक कर रहे होते हैं, कभी वो ईमेल चेक कर लेते हैं, कभी वो चैटिंग कर लेते हैं, कभी और कोई डाटा वाटा चेक कर लेते हैं, डेली अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे अखबार पढ़ लेते हैं। तो अब अगर आप उनका नेट बंद करोगे तो वो शोर मचाएंगे, वो कहेंगे यार ये क्या बदतमीजी है, अभी हमारा नेट क्यों बंद कर रहे हो, हम तो कोई कुछ नहीं हुआ, हमारे आज तक सिस्टम 10 साल हो गए, आज तक किसी ने हैक ही नहीं किया, होता ही नहीं है, ये है वो है। तो आपको यहाँ पे फिर मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए। आप मैनेजमेंट से अपने सीईओ से बात करें, अपने सीटीओ से जाके बात करेंगे, कहेंगे सर वो बात ठीक है कि यार इनको आज तक किसी ने हैक नहीं किया, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो उन्होंने जरूरी हैक होना है। देखो ना मोटरसाइकिल है, आप अगर मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला लेते हो, आपको बड़ी ग्रिप है, अब मैं आपको रोकूं यार ये ना करो खतरनाक काम है, तो आपको यार मैं जो तो 10 साल हो गए ये काम करते हुए, आज तक तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो अब ये बात तो नहीं कि तो 10 साल से अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो अगले 10 साल भी नहीं होगा, तो हो भी सकता है, रिस्क तो है। तो वो चीज है कि वो अब अगर आपको मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं होगी ना, हायर मैनेजमेंट की, तो फिर आप उसको मनवा नहीं सकोगे, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं, हमदा से पूछते हैं। हमदा जी सर, जाग रही हो? जाग रही हूँ। अच्छा अच्छी बात है, क्योंकि क्लास में तुम अक्सर सोई भी होती हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नानू का घर कहाँ पे है? लाहौर लाहौर में है। तो अभी जब तुमने लाहौर जाना होता है जी, तो दिल चाह रहा होता है कि नानों के घर जाएं हम सारे, और ये वो, तो अम्मी से कहती हो या अब्बू से कहती हो? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं कहती। अच्छा चलो ठीक है, चलो जब छोटी होती थी फिर किसको कहती थी? तब हमारा छोटे तो ये होता था कि 2 वीक्स के बाद हम 1 वीक जाते होते थे नानो के जाते पास, ही होते थे, ठीक है तो ना। पहले ही पता होता था। हाँ जी, इससे इससे जाहिर ही होता है कि तुम्हें ना हाईली मैनेजमेंट की सपोर्ट हासिल थी, ठीक है, अच्छा जिसकी वजह से ना वो मतलब अगर कोई बंदा कह भी रहा होता, मतलब बंदे से बात, मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, इसको दिल पे ना ले रहा, मतलब एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ, वैसे जी ही है जी कि यार ठीक है ना, जब कोई काम करना होता है तो जी कोई काम आपको पता हो कि यार अगर कोई अब्बू नहीं मानेंगे तो बंदा अम्मी को कह देता कि यार वो मैनेजमेंट सपोर्ट होती है, जब अम्मी कह देंगे तो फिर तो अब्बू बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, तो वो कर ही देंगे, ठीक है। या कोई काम अम्मी से निकलवाना है तो अब्बू को बंदा कहता है कि यार आप जरा कह दें अम्मी से, मेरी तो बात नहीं मानेंगे, मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन यह कि अगर आप कहेंगे तो फिर मान जाएंगे। हाँ जी, इसको कहते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट आसान सी जबान में, ठीक है। तो जब आपको सही मैनेजमेंट सपोर्ट सही हासिल होती है ना, तो आपको खतरनाक काम का भी कहें तो वो माना चला जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वैसे ना माना जाए ना, तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है, इसको जी आपको आपको ख्याल रखना पड़ता है। और उसके लिए करना क्या पड़ता है, प्रैक्टिकली आपको कन्विंस करना पड़ता है मैनेजमेंट को कि यार ये जो काम हम कर रहे हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा जरूरी है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे और कल कोई अटैक हो जाता है आपके ऊपर, तो आपकी फलां फलां नुकसान हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर वो करेंगे आपके कहने पर नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर तुम्हारा दिल नानों को मिलने का चाह रहा है तो तुम अम्मी से कहोगी तो अम्मी को वो भी कन्विंस करना पड़ेगा ना कि अम्मी देखें आपको कितना फायदा है, आप इतने दिन हो गए अपनी अम्मी से नहीं मिली, तो आप अपनी अम्मी से मिल लीजिएगा तो मैं अपनी हाँ नानों से जी मिल लूंगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात होती है, तो आपको हाँ मैनेजमेंट को जी उनका फायदा दिखाना पड़ता है, फिर वो आपका साथ देते हैं, वैसे नहीं देते, सही है। तो इस हवाले से ना मतलब हमें मैनेजमेंट की सपोर्ट देनी पड़ती है। अब इसके लिए नॉर्मली वो जो ऑप्शन लिखे हैं वो अपने यहाँ पढ़ लेने हैं, ठीक है, कि उसके लिए आईटी सिक्योरिटी ऑफिसर नॉर्मली ये काम कर रहा होता है, ठीक है, और उसके लिए ठीक आपको लाइजन विद सीनियर मैनेजमेंट बड़ा जरूरी होता है। उसके लिए जो आप उनको बताते हैं वो आपकी आईटी सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी उसको पॉलिसी के सामने रख के आप बताते हैं कि यार ये भजन मैं इसलिए इस वजह से करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इस तरह से सारे काम चल रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद हम आगे आ जाते हैं।
अच्छा, अब असेसमेंट कैसे होती है इसको हम देखेंगे अब थोड़ा सा, उसके बाद हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे 10 मिनट के बाद। अच्छा, सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो अपना कोई प्रोसेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी चीज़ है जिसको आप सिक्योर कर रहे हैं, उसके बाद आप उसमें से क्रिटिकल कंपोनेंट तलाश करने होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के लिए, आपके किसी भी चीज की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं चलेगा, आपका काम रुक जाएगा, वो आपके लिए क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो उसकी आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, उसके लिए आप करते क्या हो कि आप, एक तरीका तो ये था कि आप सारे के सारे एसेट्स को पकड़ो और हर एक को वेरीफाई करो, उस पर सोचो कि यार इस पर थ्रेट है कि नहीं, इस पर थ्रेट है कि नहीं, इस पर थ्रेट है कि नहीं। तो ये तो भाई नॉर्मली लगता सही है लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 एसेट हैं तो पता चलेगा कि 1 साल तो आप उन एसेट को आइडेंटिफाई करते हो और एनालाइज करते हुए देख लोगे कि यार इस पर कोई थ्रेट है कि नहीं, अगर है तो कौन कौन से हैं, तो ये फिर उसके बाद उस पर हम कौन सा कंट्रोल लगाएं, वो कंट्रोल उसके लिए इकोनॉमिकली फीजेबल है कि नहीं, तो इस काम में थोड़ा मसला हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली फीजेबल नहीं है। तो उसके लिए आप फिर कुछ अप्रोचेज यूज करते हो इस तरह की कि जिसकी मदद से आप अपने जो आपका जो भी रिस्क असेसमेंट का टारगेट है, जिसके आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, उसको सिक्योर करना है, उसके लिए आप डिफरेंट तरह की अप्रोचेज यूज कर लेते हो। पहली है बेसलाइन अप्रोच, दूसरी है इनफॉर्मल, तीसरी है डिटेल्ड रिस्क और चौथी है कंबाइन। अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो चार अप्रोचेज हैं ये क्या है जिनकी, जिनको यूज करते हुए हम सिक्योरिटी का रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बेस लाइन अप्रोच, इसमें क्या होता है, अब देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी होती है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, उनके लिए क्या होता है कि कुछ बेस लाइन एस्टेब्लिश होती है। बेस लाइन क्या होता है कि यार किसी काम को करने का एक अच्छा तरीका, ठीक है, अगर आपने दाल पकानी है तो दाल पकाने के 1,000 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और वो बहुत आउट ऑफ द वे भी होंगे, बहुत मुश्किल मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, लेकिन एक तरीका जो है वो स्टैंडर्ड तरीका होगा, वो स्टैंडर्ड तरीके से आपकी हमेशा दाल बन जाएगी, ठीक है। बाकी तरीके हैं उसमें कुछ जगहों पे अगर आप कामयाब हो जाते हो तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन अगर कुछ उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कोई रेसिपी फॉलो करते हुए आपने कोई गड़बड़ कर दी, आगे पीछे कुछ चम्मच ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, या ज्यादा देर तक आंच लगा दी, तो वो टेस्ट इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो जो अब नॉर्मल चीज लोग होते हैं जिनको कुकिंग सही तरह नहीं आती, वो कहते हैं यार छोड़ो, मैंने को बहुत हाई फाई कुकिंग नहीं करनी, पीसी होटल वाली जो उनके शेफ कर रहे होते हैं, मैंने बस सादी सादी दाल पकानी मुझे आनी चाहिए, तो यही काफी है, ठीक है ना, बाकी का टाइम जो है शजीरा गई होगी कि बाकी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ना है, उसकी मैंने अभी वो रिसर्च पेपर भी लिखना है, तो बस आप अगर मम्मी कहती है कि आओ मैं तुम्हें दाल पकाना सिखाऊं, तो आप सादा वाला जो तरीका है ना बेस लाइन दाल पकाने का वो सीख के आ जाओगी और बाकी का टाइम जो है वो आप इसको ओएसएस को दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेस लाइन वो चीज होती है कि जो किसी चीज की सबसे बेसिक सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो चीज होती है कि यार अगर आप ये चार काम कर लो ना तो आप बड़े बड़े मेजर थ्रेट से आप बच जाओगे, तो उसका ना वो एक बेस लाइन डिफाइन कर देती है, इसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस भी कहते हैं, ठीक है, इस चीज को, ये जो बेस लाइन वाली चीज होती है। तो इसके अंदर होता ये है कि आपके ना कोई इस तरह के कंट्रोल लग जाए कि जो आपके नॉर्मल थ्रेट्स हैं, कॉमन थ्रेट्स हैं, उस चीज को वो सारे उससे बचत हो जाए। उसके लिए फिर क्या होता है कि आपकी ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी होता है कि कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट बेस लाइन सिक्योरिटी एनालाइजर, MSBA। अब आप MSBA इंस्टॉल करो ना अपने सर्वर्स वगैरह और इन चीजों के ऊपर डाउनलोड करके इंटरनेट से, ठीक है, देख भी लेना, शायद पता नहीं इसके ऊपर भी चलता है कि नहीं चलता है, विंडोज वगैरह के जो बेसिक वगैरह इनके ऊपर, लेकिन बाकी भी चल रहा होता है। तो उसमें क्या होता था कि आप वो MSBA इंस्टॉल करें अपने किसी सिस्टम पे और उस पे इसको चलाएं ना, तो वो उसको ना चेक करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट के ख्याल में आपके सिस्टम के ऊपर ना कुछ खास सिक्योरिटी कंट्रोल लगे होने चाहिए हर सिस्टम पे, ठीक है। अब मैं भी बता रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि आपके जो क्लाइंट विंडोज है, क्लाइंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके लिए भी वो MSBA चलता है कि नहीं चलता है, आपने चेक करके मुझे बता देना है ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सर्वर्स वगैरह के लिए अवेलेबल था, तो सर्वर पे आपको पता सारा डाटा पड़ा होता है ये वो, तो ऐसे तमाम सर्वर्स वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के ऊपर चल रहे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2018 है, 20 है, 21 है, 22 अब आने वाला है मेरे ख्याल में, अभी बीटा स्टेज में। तो होता यह है कि उसके ऊपर जब आप माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइजर चलाते हैं तो आपके सिस्टम को वो रीड करता है सारी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन को, और फिर वो कहता है कि यार मेरे हिसाब से मैंने बेसलाइन बनाई है कि आपके कंप्यूटर में ना जो भी अच्छा सर्वर है, सिक्योर है, उसमें ये 20 काम होने चाहिए। तो भाई आपके तो 13 काम आपने हुए में, ये 7 काम रहते हैं, तो आप ये 7 काम जरूर कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी सर्वर की सिक्योरिटी के लिए जो मिनिमम बेसलाइन है ना वो ये है कि उस पर ये 20 काम हुए हुए होने चाहिए। अभी आपके वाले को मैंने चेक किया तो उसमें सिर्फ 13 काम हुए हैं, 7 रहते हैं, तो इसको कहते हैं बेस लाइन, ठीक
कोई कोई भी काम करने का जो एक बेस लेवल का तरीका है, जिसको आप कहो कि यार ये इतना तो आपको जरूर होना चाहिए, ये वो चीज़ आ जाएगी बेस लाइन वाली। फिर दूसरी अप्रोच आती है इनफॉर्मल अप्रोच। इनफॉर्मल अप्रोच में क्या होता है कि अब बेस लाइन तो कोई आपको रिकमेंड करता है, ठीक है, वो आपको उसके लिए एनालिसिस वगैरह ये चीजें खुद नहीं करनी पड़ती, वो जो बता देता है कि भाई ये 20 काम कर लो, बस आप वो 20 काम कर लेते हो, उसमें आपने अभी कोई थ्रेट असेसमेंट नहीं की, कोई ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने सिंपल लेवल की थ्रेट असेसमेंट ये तो की है, या आपने ये देखा कि कौन से एसेट हैं 100 एसेट्स में से जिनको मैंने सिक्योर करना है, तो आपको चला कि यार 10 एसेट है जिनको मैंने सिक्योर करना है, बाकी अभी छोड़ो तो वो इतने क्रिटिकल नहीं है। तो अब क्या हुआ कि पहला ये वाला काम तो आपने कर लिया, उसके बाद आपने वो बेस लाइन वाला उन 10 एसेट पे काम चलाया था, उसमें से उसने जिन जिन एसेट पे कहा कि इसमें ये चीज करो, इसमें ये चीज करो, इसमें ये चीज करो, वो आपने वो चीज कर दी, तो आप एक हद तक सिक्योर हो गए आपके सारे 10 के 10 एसेट। दूसरा तरीका था इनफॉर्मल अप्रोच। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक इनफॉर्मल सा ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी सिस्टम पे ऑडिट अरेंज करना है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें किसी उस एरिया के एक्सपर्ट को मतलब अपने साथ मिलाते हो, उसे कहते हो कि यार तुम जरा ये नेटवर्क एक्सपर्ट हो, जरा हमारा नेटवर्क चेक करके बताओ तो दो कि यार इसमें क्या क्या कोई कुताहियां तो मेरे नजर आती हैं, तो वो जरा हम इसको ठीक कर दें। अब क्या होता है कि वो चूंकि एक्सपर्ट होता है, और हमने पहले बात की थी कि ये जो बेस लाइन वाले हैं ना, वो कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर नहीं रखते, जबकि हमने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट तो बड़ा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग का। अब देखो ना MSBA है, अब MSBA वही वर्कशॉप बेस लाइन सिक्योरिटी एनालाइजर है, उसको आप बेसिकली एयर हेडक्वार्टर के किसी सर्वर पे चला दो या सेम वार्ड के किसी सर्वर पे चला दो, दोनों सूरतों में उसने एक ही बेस लाइन चेक करनी है। उसने ये नहीं देखना कि यार अभी मैं एयर हेडक्वार्टर के सर्वर पे जा रहा हूँ तो मैंने इसको, एयर हेडक्वार्टर बड़ा सिक्योर है तो मैंने इस पे 20 चीजें नहीं 50 चीजें रिकमेंड करनी है, और अभी मैं सेम वर्ड के सर्वर पे चल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 ही रिकमेंड करनी है, तो ऐसा नहीं होता। वो MSBA जो है वो सबको एक ही रिकमेंडेशन देगा, एयर हेडक्वार्टर को भी 20 चीजें बताएगा कि यार ये कर लो, और सेव मार्ट वालों को भी 20 ही चीजें बताएगा। लेकिन इनफॉर्मल अप्रोच में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देख के आपको सजेस्ट करेगा भाई आप ये वाले काम जो है ना ये कर लें। तो हो सकता है कि सेव मार्ट वालों को 16 चीजें ही बताए, लेकिन जब आप उसको एयर हेडक्वार्टर लाएं तो वो आपको 20 की जगह 30 चीजें बता दे, ठीक है यार आप नॉर्मल लोगों को तो मैं 20 कहता होता हूँ, लेकिन चूंकि आप एयर हेडक्वार्टर हैं, आप बड़े सिक्योर हैं, तो आपको मैं ना 30 चीजें बताता हूँ, आपने 30 चीजें जरूर करनी है। तो ये एक्सपर्ट का फायदा होता है कि वो जो आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस है ना उसका, वो उसको सामने रखते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को सामने रखते हैं, वो आपको सजेस्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ज्यादातर काम जजमेंट पे हो रहा होता है कि यार जजमेंट, वो कहते हैं यार हाँ ये भी हो सकता है, तो टेस्ट नहीं करेगा कि यार वाकई हो सकता है कि नहीं होता, वो एजम्पशन के ऊपर काम करके वो आपको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कंट्रोल वगैरह लगवा देंगे। और उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये चूंकि आपका जो एनालिस्ट होता है, जो कि उस एरिया को सिक्योरिटी को एनालाइज कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके नॉलेज पे, उसके एक्सपीरियंस पे, और उसकी इससे पहले जो एजुकेशन है उसके ऊपर, तो ये सारी चीजें मिलकर बंदे का पर्सपेक्टिव बनाते हैं ना, नॉलेज और आपकी जो करंट सिनेरियो या थ्रेट है उसको सामने रखते हुए इन चीजों को। तो उसमें क्या होता है कि वो हो सकता है कि कुछ रिस्क को वो इनकोरेक्टली असेस कर ले, वो रिस्क होना वो कर ले, ये भी हो सकता है कि कोई रिस्क हो लेकिन उससे छूट जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। और फिर ये जो एनालिस्ट है, जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग PTA के हामी आजकल और कुछ लोग नवाजली के हामी, तो अगर PTA वालों से बात करो तो उनका पूरे का पूरा जो सिनेरियो होगा वो इमरान खान के हक में नैरेटिव में वो बात कर रहे होंगे, तो अगर इमरान खान का कोई गलत काम आप उनको बताएं तो वो उसको साबित करेंगे कि नहीं यार तो बड़ा अच्छा काम था। जो यही काम नवाज शरीफ वाले वो उल्टा कर रहे होंगे, वो नवाज शरीफ के सारे कामों को डिफेंड कर रहे होंगे और इमरान खान के कामों को गलत कह रहे होंगे। तो होता ये कि स्क्यू हो जाती है, आपके एनालिस्ट जो होगा उसके जो ख्यालात हैं उसको सामने रखते हुए वो मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एनालिस्ट है, उसने सारी जिंदगी मेडिकल में काम किया है, ठीक है, अब अगर उसने मेडिकल में काम किया, फॉर एग्जाम्पल वो शिफा इंटरनेशनल का कुछ था, वो IT का हेड था, अब जब वो किसी जगह, अब हॉस्पिटल के एनवायरमेंट में डाटा अवेलेबिलिटी और इन चीजों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसके अपने कुछ इश्यूज होते हैं, अगर उस बंदे को हम एयर हेडक्वार्टर में लगा दें तो उस सिस्टम को जब वो एनालाइज करेगा इनफॉर्मल अप्रोच के थ्रू, तो वो अपने उस जो पिछले 10 15 20 साल की सर्विस और एक्सपीरियंस था उसको सामने रखते हुए वो कोई ना कोई एक्शन लेगा या उसको सामने रखते हुए असेसमेंट करेगा। और जो बंदा एयर हेडक्वार्टर वाला है उसको अगर आप सेव मार्ट में भी लगा दो ना रिटायर होने के बाद, तो वो वहां पे जब जाएगा तो वो उसमें ज्यादा ही कीड़े निकालेगा, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो एक एक चीज को चेक करना और एक एक चीज को सिक्योर करना है वहाँ एयर हेडक्वार्टर में रहते हुए। तो अगर वो जब वहां से फारिग होके रिटायर होके अगर उसको हम सेव मार्ट का या सेंटोरस का
ऑडिट का ऑप्शन देती हैं, तो वो वहां जाके अपनी आदत और प्रीवियस हिस्ट्री और उस सारे के मुताबिक वो हर चीज में घुसेगा, हर चीज को देखेगा, वो ये नहीं सोचेगा यार ये तो शॉपिंग मॉल है, इसमें लोगों ने पब्लिक प्लेस से आना जाना है, ये वो, इसको मैं उस तरह एयर हेडक्वार्टर की तरह तो ना डील करूँ ना, तो वो ये वाले इशूज होते हैं कि वो एनालिस्ट का व्यूज वेरियस जो होता है वो ओवर टाइम वेरी करता रहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ख्याल और उसको सामने रखते हुए वो कोई एक्शन करता है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि एयर हेडक्वार्टर वाला बंदा उनको भी पकड़ लेगा, उस पर भी पॉलिसियां बना देगा, उस पर भी सिक्योरिटी लगा देगा, कुछ चीजें जो है वो आम मैनेजर जो होगा जो एक नॉर्मल बिजनेस एनवायरमेंट में रहता है वो उसको इतना खतरा नहीं तस्वर करेगा और उसको उस पर इतना ज्यादा एक्शन नहीं लेगा। और ये जो चीजें हैं दोनों, पहले वाली पिछली वाली कौन सी थी, वो जो बेसलाइन वाली थी और ये वाली इनफॉर्मल वाली, ये दोनों कॉस्ट इफेक्टिव वे है। इसमें चूंकि आपने पहले वाली में तो कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वो टूल डाउनलोड कर लिए हैं, तो उसमें तो आपका खर्चा जीरो आया और एक्शन लेने में को खर्चा आ जाए तो आ जाए जो आपने रिकमेंडेड चीजें अप्लाई की हैं। और ये जो ये वाली है इनफॉर्मल वाली, इसमें भी खर्चा कम आता है, इसलिए कि आपको एक ही एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, उसी को पैसे देने पड़ते हैं और वो बाकी का काम आपका सारे का सारा खुद से कर देता है। यहाँ तक क्लियर है इनफॉर्मल और फॉर्मल बेसलाइन वाली अप्रोच? यस सर, बिलाल जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो? अच्छा, बारिश में भीगे तो नहीं? थोड़ा बहुत भीगे थे। थोड़ा बहुत भीगे थे तो कपड़े वपड़े चेंज किए हैं ना? यस सर। चलो अच्छा किया। अच्छा, अब आता है डिटेल वाला और उसके बाद इससे अगला वाला एक और अप्रोच है हाइब्रिड वाली, तो मैं इसको करके ना फिर अभी थोड़ा सा 10 मिनट का ना ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? वैसे भी 7-8 मिनट में मेरे ख्याल में खत्म ही होने वाली होगी क्लास। अच्छा, डिटेल रिस्क एनालिसिस में क्या होता है कि सबसे पहले तो ना ये इसमें ना अच्छी खासा कॉस्ट और टाइम लगता है, पहली बात तो ये रिसोर्सेज भी लगते हैं और इसमें एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है, और ये अमूमन तब ली जाती है कि जब आपकी लीगल रिक्वायरमेंट हो कि यार आपने ये वाला ऑडिट कराया। जैसे मैंने बताया था कि PCI DSS जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का वो स्टैंडर्ड है PCI DSS, वो अगर आपकी कंपनी आपका बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है या उनको डील कर रहा है तो आपको PCI DSS का ऑडिट हर साल या 1-2 साल के बाद करवाना पड़ता है, लाजमी आपके लिए बाहर से करवाना पड़ता है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर आपको क्रेडिट कार्ड आप इशू नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़, तो इसके लिए क्या होता है कि यार नंबर एक तो ये कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, ये बहुत ज्यादा डीपली जाके एनालाइज करती है। अच्छा, ये जो फॉर्मल का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है कि उसके अंदर स्टेजेस होंगी, हर स्टेज में पहले आप ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, फिर उसका रिस्क कितना अगर होने के चांसेस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी बेस पे देखेंगे कि यार ये मैंने इसको कैसे टैकल करना है, फिर आप देखेंगे उस पर कॉस्ट कितनी आनी है इन सॉल्यूशंस पे, तो वो सारा बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा जबरदस्त तरीके से काम होता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट हो कि आपकी उसको कहा हुआ है कि यार चूंकि आप क्रेडिट कार्ड डील कर रहे हो तो आपने PCI DSS का ऑडिट जरूर करवाना है, तो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो ये जो है ना, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका IT का सिस्टम होता है क्रिटिकल होता है उनके बिजनेस के लिए, तो इसके लिए उनको ये सारे डिटेल रिस्क असेसमेंट और ये सारे काम करवाने पड़ते हैं। और कंबाइंड अप्रोच का मतलब ये है कि आप उन तीनों चारों में से, तीनों जो पिछली वाली हैं बेसलाइन इनफॉर्मल और डिटेल, उनका मिक्सअप बना लो। अब मिक्सअप से क्या मुराद है कि यार फॉर्मल आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है लेकिन अगर आप वो डिटेल ऑडिट से ही स्टार्ट लेते हो ना तो वो तो उससे 6 महीने में खत्म हो, तो 6 महीने के बाद आपको आपका सिस्टम सिक्योर होना शुरू होगा, तो 6 महीने तक तो उसके लिए नुकसान होगा। उसमें क्या करते हैं, कहते हैं यार ऐसे करो फटाफट कल शाम तक तो सारे सर्वर्स के ऊपर बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइजर रन करो ना, वो जो रिकमेंडेशन देता है वो इंप्लीमेंट कर दो, ताकि 3-4-5 दिन में हम 1 वीक में बेसलाइन के ऊपर तो आ जाएं, अगर हम बेसलाइन से नीचे हैं, ठीक है? साथ ही क्या करो कि एक एक्सपर्ट हायर करो, उससे बेसलाइन वाला काम करने के बाद उसको बुला लो को, यार हमने बेसलाइन तो चला लिया, तू जरा इसको नजर मारे फटाफट 1-2 दिन में और हमें चेक करके बता के और हम क्या ले सकते हैं इस हवाले से, तो मैं इस तरह का। तीसरा, फिर कंपनी से किसी से कॉन्टेक्ट करो जो IT सिक्योरिटी की सर्विसेज देती हो, या अपने वो हायर कर लो सिक्योरिटी वाले बंदे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले, जैसा कि मतलब आप लोग हो गए या कोई और MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लोग करें, और उनसे कहो कि यार हाँ जी हुन जेड़ा है ना तुसी शुरू हो जाओ फॉर्मल वाले काम पे, तो वो फिर आगे 6 महीने लगाएं। तो होगा ये कि आपका तब भी काम 6 महीने और 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, जो कि पहले 6 महीने में खत्म होना था। अब ये होगा कि आपका बेस लाइन लेवल पे आप सिक्योर हो गए, कुछ और चीजें आपने एक्सपर्ट बुलवा के उससे पूछ ली होंगी, उसने जो बताई होंगी वो भी आपने सिक्योर कर ली होंगी, और अब आप ये है कि जो अगले 6 महीने जब तक ये आखिरी वाला प्रोसेस जो है ये वाला फॉर्मल डिटेल वाला वो जब तक कंप्लीट होता तब तक आपको कम से कम कुछ तो सिक्योरिटी मिल गई होगी ना, आपको 25-30% सिक्योरिटी तो मिल गई होगी
क्योंकि आपने बेसलाइन वाले और इनफॉर्मल को एग्जीक्यूट कर चुके थे जब आपने डिटेल वाले पे काम शुरू किया, तो अब कुछ सिक्योरिटी आपकी कंप्यूटर पे या आपके सिस्टम्स पे, आईटी सिस्टम पे लग गई थी। तो ये चीज होती है कंबाइंड अप्रोच, इसमें आप मल्टीपल चीजों को ले आते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि यार इसको आपने करना कैसे, इस पे एक्शन कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा, ये सारी डिटेल में वो आपकी नीचे स्लाइड में लिखी है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, इश्यू होता है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें से हम डिटेल वाले को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल वाला नॉर्मली प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। बाकी तीन तो आपको समझ, दो को समझ आ गए थे कि यार एक तो बेसलाइन चलाना होता है, जो बेसलाइन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर ही नहीं हर बार चलाना होता, क्या वो माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइजर ढूंढते रहो, मकसद है आपने कोई बेसलाइन देखनी है कि इस एरिया की इंडस्ट्री की बेसलाइन क्या है रिक्वायरमेंट के हवाले से, और फिर उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो अभी हम ना यूं करते हैं कि अभी टाइम हो रहा है 6:01, तो 6:10-12 के ऊपर ना हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो चलो फिर मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।